नीमच शुक्रवार रात मनासा रोड स्थित मिराज टाकिज के सामने एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि पति और पत्नी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एसडीओपी जिला अध्यक्ष इमरान हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पति दीपक, पिता मोहनलाल, पत्नी ममता बाई जेतपुरा गांव के रहवासी है। वहीं ममता बाई की तबीयत खराब होने के कारण दीपक पिता मोहनलाल अपनी पत्नी ममता बाई को नीमच अस्पताल ला रहा था। इस दौरान मनासा रोड स्थित मिराज टाकिज होल के सामने एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पति और पत्नी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में दोनों को ही उदयपुर रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल। ठीक है, बाइक से मेरे मामी को दिखाने के लिए तो एक ट्रक ने टक्कर मारी तो इस वजह से वो घायल हो गए और ये हॉस्पिटल में कहा गया इनको ज्यादा इनकी तबीयत खराब है, इनको उदयपुर रेफर किया जाए। दोनों को रेफर कर दिया गया। हाँ, दोनों को। क्या नाम है इनका? दीपक और ममता। क्या है कि इनकी मिसेज को लेके, उनकी मिसेज की क्या है तबीयत खराब थी थोड़ी, तो उनको दिखाने के लिए ये नीमच हॉस्पिटल आ रहे थे। इस बीच में क्या है कि एक ट्रक चल रहा था आगे, वो अनाधुन चल रहा था वो मनासा रोड पे, के लापरवाही से चला रहा था। एक बाइक चली, उस बाइक को इन्होंने कट दिया। कट देते ही क्या मालूम किस धुन में चला रहा था, दारू पी रखी थी इस ड्राइवर ने या क्या था ये, तो ड्राइवर स्पॉट पे चला गया। कट दे के इनको टक्कर मार के वो स्पॉट पे से भग गया और इनको इतनी चोटें आई हैं कि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लाए हैं और डॉक्टर साहब ने बोला है कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में चेक कराए और वो बोल रहे हैं कि इनको चोटें ज़्यादा लगी है। वो बोल रहे हैं कि इनको उदयपुर का रेफर कर दिया है और उनकी मिसेज को भी अभी होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं घर हूँ कि हॉस्पिटल हूँ, कहाँ हूँ, उनको कुछ पता। दो लोग घायल हुए, दो ही मिसेज और उनका हस्बैंड, उनका नाम दीपक और मिसेज का नाम ममता। यह है कि नीमच से मनासा रोड पे एक जेतपुरा गांव है, वहाँ रहते हैं ये। नीमच हॉस्पिटल आ रहे थे, ये बाइक से थे और एक ट्रक ने टक्कर मारी इसके इनके। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।